नमस्कार। 1940 में आज ही के दिन 31 जुलाई को शेर सिंह या उत्तम सिंह को फांसी दी गई थी। उनका जुर्म था अंग्रेजी हुकूमत के जनरल डायर को गोलियों से भून डालना। 31 जुलाई 1940 से 21 साल पहले जनरल डायर ने बैसाखी के त्योहार पर सैकड़ों भारतीयों का कत्ले आम मचाया था। उस दिन के बाद से जनरल डायर का उद्धम सिंह इंतजार कर रहे थे उस एक पल का, जब वो डायर से उस हैवानियत का बदला ले सके। कहा जाता है कि जिस वक्त कोर्ट ने उन्हें दोषी ठहराते हुए फांसी की सजा देने का आदेश दिया था, तब उस वक्त उनके चेहरे पर अपनी प्रतिज्ञा पूरी करने की एक अलग ही खुशी झलक रही थी। 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर के जलियांवाला बाग में बैसाखी के त्योहार के लिए सैकड़ों लोग इकट्ठा हुए थे। इसी दौरान ब्रिगेडियर जनरल डायर 90 ब्रिटिश सैनिकों को लेकर वहां पहुंच गया। उन सभी के हाथों में भरी हुई राइफलें थी। भाषण दे रहे नेताओं ने उन्हें देखा लेकिन वहां मौजूद रहे। कुछ देर के बाद डायर ने सैनिकों को वहां पर मौजूद निहत्थे लोगों पर गोलियां चलाने का आदेश दे दिया। 30 मिनट में कुल 1650 राउंड गोलियां चलाई गई। जलियांवाला बाग चारों तरफ से घिरा हुआ था। भागने या जान बचाने का कोई रास्ता नहीं था। कुछ लोग जान बचाने के लिए मैदान में मौजूद कुएं में ही कूद पड़े। देखते ही देखते वह कुआं लाशों से पट गया। उद्धम सिंह के जीवन पर इस नरसंहार का गहरा घाव था। उन्होंने इस मंजर को करीब से देखा था। तभी से उनके दिल में डायर से बदला लेने की आग धधक रही थी, लेकिन इसके लिए उन्हें 21 सालों तक सही वक्त का इंतजार करना पड़ा। बताते हैं कि डायर को लगने लगा था कि अपने शासनकाल में हिंदुस्तानियों के अंदर उसका डर बैठ गया है। इसके बाद वो वापस अपने वतन चला गया, लेकिन कोई था जो उसका साये की तरह पीछा कर रहा था। यह कोई और नहीं था, यह था भारत का शेर, जो उद्धम सिंह के नाम से पासपोर्ट बनाकर लंदन पहुंच चुका था। जनरल डायर को उसके किए की सजा देने के लिए उद्धम सिंह ने नाम बदल बदल कर अफ्रीका, नैरोबी, ब्राजील और अमेरिका की यात्रा की। वर्ष 1934 में उद्धम सिंह लंदन पहुंचे और वहां 9 एल्डर स्ट्रीट कमर्शियल रोड पर रहने लगे। वहां उन्होंने एक कार और 6 गोलियों वाली एक रिवॉल्वर खरीदी। अब केवल इंतजार था तो सही वक्त का। ये सही समय आया 6 साल बाद, जलियांवाला बाग हत्याकांड के ठीक 21 साल बाद। 13 मार्च 1940 को रॉयल सेंट्रल एशियन सोसाइटी की लंदन के कॉक्सटन हॉल में बैठक हुई थी। यहाँ पर माइकल ओडायर भी वक्ता के तौर पर शामिल थे, जहाँ उद्धम सिंह भी पहुंचे थे। उनके साथ एक किताब भी थी। उन्होंने अपनी रिवॉल्वर को छिपाने का एक नायाब तरीका तलाश कर लिया था। इस किताब में पन्नों को काट कर उन्होंने एक बंदूक रखी हुई थी। बैठक खत्म होने के बाद उद्धम सिंह ने किताब से बंदूक निकाली और माइकल ओडायर के सीने में गोलियां उतार दी। डायर को कुल 2 गोलियां लगी और उसके वहीं प्राण निकल गए। इस घटना के बाद उन्हें भागने का मौका था, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। खुद को आसानी से गिरफ्तार होने दिया, क्योंकि वो चाहते थे कि जनरल डायर के करतूत को पूरी दुनिया पहचाने। गिरफ्तारी के बाद उनके ऊपर मुकदमा चलाया गया और 31 जुलाई 1940 को उन्हें पेंटल विले जेल में फांसी दे दी गई। कहा जाता है कि जिस वक्त कोर्ट में उन्हें दोषी ठहराते हुए फांसी की सजा देने का आदेश सुनाया जा रहा था, उस वक्त भी उनके चेहरे पर डर की कोई परछाई तक नहीं थी। इसके उलट वो अपनी प्रतिज्ञा को पूरी करने की वजह से बेहद खुश नजर आ रहे थे। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया हो। इसी तरह के अन्य रोचक और बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें तरकश।